तो क्या चल रहा है आजकल? मैं जो भी हूँ यार, उससे क्या फर्क पड़ता है। खैर, जस्ट एक अपडेट वीडियो है ये, थोड़ा ब्रेक चाहिए था मुझे हर चीज से। लाइक काफी लोग पूछ रहे थे, ओए बड़ी देर हो गई वीडियो अपलोड नहीं की, मर तो नहीं गया ये वो? यार नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, ठीक है। जनवरी पूरा मंथ में भी ना हो सके, कुछ काम वगैरह थे, कुछ इवेंट्स वगैरह भी आए हैं, उसके बारे में मैं कुछ फाइनल तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर कुछ बताना हो तो मैं फेसबुक पे बता दूंगा। खैर, मैंने बस यही कहना था, मरा नहीं हूँ मैं, फरवरी से नॉर्मल स्टार्ट करेंगे। एक चीज मैंने बनाई हुई है, वो कोई कमेंट्री वीडियो नहीं है, जस्ट एक मीम टाइप वीडियो है, जैसे ये वीडियोस हैं, एक मिनट की है बस, वो मैं कर दूंगा एक दो दिन तक अपलोड। लेकिन जनवरी पूरा मैं ऑफलाइन ही रहूंगा, ठीक है। ट्विटर में मैं होता हूं तकरीबन डेली, तो तुम वहां फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हें फर्क पड़ता तो। खैर, वीडियो रैप अप करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं ट्विटर से, ये कोई Q&A नहीं है, लाइक वो प्रॉपर बाद में करेंगे, उसकी मैं अनाउंसमेंट वगैरह भी दे दूंगा, ये जस्ट वैसे ही है, ठीक है, Q&A नहीं है। जो भी है यार, समझ आ गई होगी, आगे चलो। तू तोतला है क्या? यार मैं बचपन में एक्स्ट्रा तोतला था, मतलब एक तोतला होता है कि बस कुछ अल्फाज में जुबान फिसलती है। मेरा तो ऐसे था कि हमारी दाढ़ी तिदर है, वो देखें तोतरोतदार है, ये इस तरह ये हाल था मेरा है। लेकिन टाइम के साथ साथ सही हो गया। हाँ, कुछ साइड इफेक्ट हैं, अभी भी कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी मैं कुछ आर करके कुछ बोलता हूं ना, तो वो हैवी आर में अपने आप तब्दील हो जाता है, जैसे आर नहीं होता बड़बड़ करके वो वाला। बस गुजारा करो ऐसे ही। डू यू वॉच एनी अदर यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी और इंटरनेशनल? यार मैंने बहुत ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कर रखे जिनके रेगुलरली सारे अपलोड देखता हूँ। कुछ लोगों का तो ये सीन है कि वो कोई दो मिनट की काली स्क्रीन भी अपलोड कर देना, मैंने वो देखनी है स्टार्ट से एंड तक। बाहर के यूट्यूबर्स में से जिनको फिलहाल रेगुलरली देखता हूं, एक तो हो गया ये H3H3, iDubbbz, फिल्थी फ्रैंक, अब तो छोड़ गया, PewDiePie, खावोस, कीमस्टार, पायरोसिनिकल, अनबॉक्स थेरेपी, MKBHD, एवरीथिंग एप्पल प्रो, ये टेक चैनल्स हैं असल में, इनको भी फॉलो करता हूं। और यार पाकिस्तानी यूट्यूबर में बहुत ज्यादा तो नहीं देखता, लेकिन वैसे कुछ लोग हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों का कंटेंट अच्छा लगता है, कुछ लोग वैसे मुझे अच्छे लगते हैं। एक तो ये खुजरी वाले हो गए, समोहसीब, ये तो वैसे दोस्त है मेरे। एक ये राहिम परदेसी बंदा अच्छा है, और एक और बंदा मिला है मुझे महीना पहले, व्लॉगर है इरफान जुनेजो, वो भी बंदा अच्छा है। एक वो अपना जी टेक केयर है टेक चैनल, वो भी देखता हूं मैं। और ये जो बाकी स्केच मेकर हैं, कराची वाइंस, बेकार वाइंस, और ये क्या नाम है उसका, द इडियट्स वगैरह, ये भी अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। और वो कौन रह गया, ये मुरू शुरू वगैरह, देख लेता हूं यार मैं सारे। और हां, मैंने वैसे अपनी सब्सक्रिप्शन पब्लिक कर दी है, तो तुम जाके देख सकते हो कि मैंने क्या सब्सक्राइब किया हुआ, क्या नहीं किया हुआ। माय ब्रदर्स बर्थडे ऑन जनवरी 27th, ही इज Turning 15 and is a huge fan of you. Can you wish him happy birthday? His name is Shamir Qasim. यार happy birthday यार, अगले साल की भी अभी से happy birthday. और अगर अपने घर birthday party रखी है और पीजे शीजे मंगवाए हैं, तो मुझे भी लाजमी बुलाना, ठीक है। और गिफ्ट शिफ्ट कोई नहीं ला रहा मैं, बड़ा हो गया अब तू, 13-14 के बाद गिफ्ट मिलना बंद हो जाते हैं। और वैसे भी अब अगर दोस्तों की तरफ से गिफ्ट मिलता भी है ना, तो गाजरे, मूलियां, फीडर, पैंपर और ऑलवेज वगैरह ही मिलते हैं। और पैंपर शैम्पर छोड़ो, डिल्डो गिफ्ट किया था मुझे इस साल किसी ने, पता नहीं कहां से चुके लाया था। और पैकिंग इतनी हैवी, प्ले स्टेशन नहीं होता जैसे, उतना बड़ा तो डब्बा था उसका, उसे खोला अंदर एक और डब्बा निकला, उसे खोला अंदर एक और डब्बा निकला, और बिल्कुल एंड पे एल्यूमिनियम फॉइल में कुछ लपेटा हुआ, मुझे लगा कोई भुनी हुई शकरकंदी होगी, लेकिन जब उसे खोला तो डिल्डो निकला, कहता ऑनलाइन मंगवाया है। अब मैं घर भी नहीं लेके जा सकता था, इसलिए किसी गली के नुक्कड़ में दफना के आ गया था। चवल दोस्त है यार मेरे, अब क्या करें। किसी चैनल के साथ कोलैब, यार कोलैब तो खुजली लोगों के साथ ही है, अभी कोई ऐसी स्टेज आएगी ना जब दोनों पूरी तरह वेले होंगे, तब भी कोई रखेंगे ताकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहे, वरना एवी कुछ बना देंगे ना तो क्या फायदा उसका। तो कोलैब आएगा फ्यूचर में। कैन यू सिंग? इफ यस, तो एक गाना अपने फॉलोअर्स के लिए। यार मैंने गाना शुरू कर दिया ना, आधे लोगों ने अनसब्सक्राइब करके दौड़ जाना है। यार गाना मुझे कोई इतना कोई खास तो नहीं आता, किसी दिन करके दिखा दूंगा। वैसे बीट बॉक्सिंग आती है मुझे, मैं भी पूरी तरह नहीं करके दिखाऊंगा, वैसे एक टीजर दे देता हूं, ये चेक करना। बल्कि चेक करना, तो बस फिलहाल इतना ही। और मुझे बताना नीचे कमेंट्स में कैसा रहा, लाइक मैं कोई प्रो नहीं हूं, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक बेसिक्स वगैरह आती है मुझे भी। तो भाई रोस्ट वीडियोस कैसे शुरू की? यार ये ना बार बहुत पॉपुलर जा रहा है रोस्टिंग और कमेंट्री वगैरह, फिर कमेंट्री का कीड़ा इंडिया आ गया, वहां कई रोस्टिंग चैनल बने, फिर वो कीड़ा उड़ के पाकिस्तान आ गया जिसमें मैंने भी ट्राई मारी। लेकिन एक बात बताता हूं, ये जो रोस्टिंग है ना 2018 के एंड में पूरी तरह डेड हो जानी, लाइक जो बड़े चैनल है उनको तो लोग देख लेंगे, लेकिन किसी छोटे चैनल का उठना मुश्किल हो जाएगा। बस एक ट्रेंड आता है और वो चला जाता है, अगर तुमने पिक कर ली है तो ठीक है, तुम रेलिवेंट रह सकते हो, आगे
जो बड़ी चीज आनी है ना वो व्लॉगिंग है। व्लॉगिंग का ट्रेंड आएगा 2018 के मिडल पे, ये लिखवा लो बेशक। आगे ना कोई वाइंस देखा करेगा, ना कोई स्केच देखा करेगा, कुछ नहीं देखा करेगा। व्लॉगिंग फ्यूचर है भाई। आई फाउंड योर टेक चैनल, कैन वी गेट द लिंक ऑफ योर गेमिंग चैनल फॉर क्रिंजिंग पर्पस। यार ये जो मेरा टेक चैनल जो इस वक्त तुम्हें मिला है ना, वो मैंने दूसरा बनाया था, क्योंकि इससे पहले वाला टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट इस वजह से हुआ था कि उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू हैक क्लैश ऑफ क्लैंस करके, जबकि आप उसको हैक नहीं कर सकते थे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स डाल दी थी पेपर क्लिक वाली। और फिर जब मैं अगले दिन उठा तो यूट्यूब वालों ने मुझे बड़े खूबसूरत तरीके से डंडा दे के बोला कि भाई आपका चैनल हमने टर्मिनेट कर दिया, अब कट लो भाई यहां से। पहले वाले चैनल का नाम था सादी टेक, जो मैंने 2015 में बनाया था। वो चैनल साल चला 200 वीडियोस के साथ और 2017 के शुरू में टर्मिनेट हो गया। ये रही उस चैनल की आखिरी वीडियो। Boy shaking guys, this one is Nokia 6 made from a single piece of aluminum running the latest Android operating system. It's going to have 5.5 inch bright full HD display. There's a 16 megapixel face detection autofocus camera on the back and 8 megapixel camera on the front. Plus the dual tone flash on the main camera helps you take natural looking photos even in low lights. Fingerprint sensor, Dolby sounds are some of the main features this guy have. The phone is packed with Qualcomm Snapdragon 430 processor designed for excellent battery life and improved graphics performance. 3GB of RAM, 32GB internal storage that is expandable up to 128GB with a price tag of 229 euros. Maine duniya jahan ko mail kar dali ke please please just give me one fucking chance. Ek choti si galti hui hai mere se, please wo mujhe channel wapas kar do. Lekin किसी का रिप्लाई नहीं आया। मैं एक महीने के लिए डिप्रेशन में चला गया था। मेरे दोस्त वगैरह मेरे से पूछ रहे थे कि भाई मूड क्यों ऑफ है अब तेरा। मैंने फिर उनको बताया कि मेरा एक चैनल था जो टर्मिनेट हो गया, तो कहते थे रिला बस इतनी सी बात है, 3000 ही तो सब्सक्राइबर थे उस पे। कोई नहीं समझ पाया। वो 3000 सब्सक्राइबर लेने के लिए मुझे एक साल लग गया था, और उस 3000 सब्सक्राइबर से पहले मेरे पास चैनल हुआ करता था फैंटम गेमिंग। और जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने ये की थी कि मैंने हार मान ली और स्ट्रेस में आके वो चैनल ही डिलीट कर दिया। सादी टेक के टर्मिनेट होने के बाद मैंने एक और चैनल बनाया जिसमें मैंने सिर्फ आखिरी 4 वीडियो सादी टेक वाली अपलोड की थी, और फिर पता नहीं क्यों मैंने ये चैनल बनाया और अब देख लो 2 लाख से ऊपर है। कहने का मतलब यह कि अगर मेरे जैसा चवल बंदा भी कर सकते ना, तो तुम भी कर सकते हो यार। खैर अब रोना धोना बंद करो, आगे चलो। भाई.com डोमेन मेरे पास है। ओए ये वेबसाइट मेरी नहीं है, पता नहीं किसी ने बना दी है। अब कल को इस वेबसाइट पे बिप्पी शिप्पी गे जापानीज अपलोड होनी शुरू हो गई ना, तो लोगों ने मुझे पकड़ लेना है। उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी नहीं है। योर सीजीपी है 3.5। दिन में कितनी बार 3.5। विच यूट्यूबर इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? शाम इदरीस। डू यू लव मी? यार आई एम सॉरी यार, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। रियल लाइफ में भी इतने ही सार्केस्टिक और अब्यूसिव? यार इस वक्त जो तुम लोग वीडियो देख रहे हो ना, ये मेरा रियल लाइफ ही है। इसमें ना कोई स्क्रिप्टिंग है, ना कोई एक्टिंग है। ऐसा समझ लो कि ये एक व्लॉग है, बस फर्क ये है कि गेम प्ले पे है। व्हाट इज योर ऑल टाइम फेवरेट गेम? यार एक तो इस वक्त जो तुम लोग देख रहे हो, कॉल ऑफ ड्यूटी वैश्यों की तरह खेली है। ब्लैक ऑप्स 1 नहीं इतनी खेली, क्योंकि उस दौरान मैं GTA वगैरह खेलता था। फिर एक जमाने में मेरे पास Xbox 360 हुआ करता था, तब मैंने ब्लैक ऑप्स 2 पहली ओरिजिनल गेम बाय की थी, और 3 साल कुत्तों वाली की। ऑनलाइन खेलता था मैं बार गोरों के साथ। फिर मैंने जिंदगी का सबसे पहला गेमिंग पीसी बाय किया मैट्रिक के दौरान, और Assassin's Creed वगैरह शुरू की, लेकिन वो मेरा पीसी सर गया। मैं Crysis 2 खेला था और 5-10 मिनट तक अचानक पुफ करके आवाज आई और पीसी बंद हो गया, मेरी फट गई। मैंने फिर पीसी खोला, सारा पोस्टमार्टम किया, तो जैसे ही ग्राफिक कार्ड निकाला ना, तो डेस्कटॉप चल पड़ा। पता लगा सस्ते जुगाड़ के चक्कर में पावर सप्लाई कोई लुंगर सी लाए हैं जो ग्राफिक कार्ड सपोर्ट ही नहीं करती। ओए होए, उस दिन पहली बार मैं रोया था। फिर मैंने किसी तरह पार्ट्स वगैरह बेचे, कुछ लॉस हुआ, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक एड बनाई। मैंने एक पेज में लिखा कि जिसने विंडोज इंस्टॉल करवानी है करवा लो, जिसने आईफोन जेलब्रेक करवाना है करवा लो, जिसने एंड्रॉयड रूट करवाना है करवा लो, जिसने आईफोन अपग्रेड डाउनग्रेड करवाना है करवा लो, और बिल्कुल नीचे एंड पे लिख दिया था हाफ प्राइस देन मार्केट विद फ्री होम सर्विस। और ऐसी कोई 7-8 चीजों की लिस्ट बना के मस्जिद के बाहर, मॉल के बाहर, फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर लगा के आ गया। और फिर कुछ दिनों तक एक बंदा आया विंडोज इंस्टॉल करवाने, उससे मैंने 300 रुपए लिए, और फिर उस बंदे के रेफरेंस से 2 बंदे और आए जिन्होंने आईफोन जेलब्रेक करवाना था, उनसे मैंने 350 रुपए लिए। अब पता क्या है, मार्केट जाओगे ना तो तुमसे जेलब्रेक का 1500 से 2000 इजीली ले लेते हैं। अब मैं उनको 300 रुपए में
करके दे रहा, तो मेरे घर के पास जो मोबाइल लैपटॉप की रिपेयर शॉप वगैरह है ना, वो मेरी एड उतार देते थे। जाहिर है उनके बिजनेस के एल लग रहे हैं, लेकिन लोग मेरे पास फिर भी आते थे। और ऐसे ही कोई 3-4 महीने लगा के कोई 40 के करीब लोग आए, और फिर मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं। मैंने अपना फोन बेचा, घर का कुछ पुराना सामान बेचा, और उस दौरान ईद भी चल रही तो ईदियां भी मिल गई थी कुछ, और तब जाके मैंने ये वाला पीसी लिया जो इस वक्त यूज कर रहा हूं। तकरीबन 1 लाख के करीब लगा दिया मैंने इस पे। फिर मैंने इस पे डार्क सोल्स 3, स्काईरिम, असैसिंस क्रीड, GTA 5 तकरीबन सारी खेली है। बाकी नॉर्मली डेली काउंटर स्ट्राइक की गेम हो गई, और बस यही है। और मैंने इस पीसी पे इन्वेस्ट करके ना जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया। लाइक इसके बगैर मैं सांस भी नहीं ले सकता। लाइक ये ऐसा है कि अगर जलजला आ जाए ना, तो सबसे पहली चीज जो मैं घर से बाहर लेके जाऊंगा ना, वो ये पीसी है। और जब छतें टूटनी शुरू होंगी ना, तो मैं पीसी नहीं अपने ऊपर रखूंगा, अपने आप को पीसी के ऊपर रखूंगा ताकि बच जाए। मजाक कर रहा हूं, अल्लाह रहम करे। खैर वीडियो एंड कर रहा हूं मैं, आई होप एंजॉय किया होगा। अगर एंड तक देखिए तो किया ही होगा। अब मैं फैब्री में ही मिलूंगा, एक चीज मैं डाल दूंगा बस, वरना नॉर्मली फैब्री से ही ठीक है। तब तक के लिए बाय।